Hey, hi guys. Hope you all are doing good. You all are taking care of yourself. You have decided your goals and moving toward that side, right? So guys, आज मैं randomly live आना चाहती थी, but मुझे YouTube ने बोला कि भाई अभी आप basic criteria से match नहीं करते हो, तो आप live नहीं जा सकते हो. So I thought कि मुझे अभी मैं कुछ बैठ के सोच रही थी एंड आई थॉट कि मुझे अपने ऑडियंस से वो चीज़ बात करने की और डिस्कस करने की ज़रूरत है. तो बस मैं इतना सोचा और मैंने कहा चलो बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं, अपने जो मन के थॉट्स हैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं, बिकॉज़ वी ऑल आर फैमिली आफ्टर ऑल, राइट? सो गाइस, हम लोग काफ़ी लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, हम लोग भी मदद करना चाहते हैं, बट हमको बेसिक चीज़ें ही नहीं पता होता. जैसे फॉर एग्जाम्पल, टुडे आई रियली वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट लाइक डिप्रेशन. सो इफ आई टॉक अबाउट डिप्रेशन, सो वी डोंट नो दैट वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल पर्सन और अ डिप्रेस्ड पर्सन, लाइक हु इज सफरिंग विद डिप्रेशन एंड अ नॉर्मल गाय हु इज नॉट हु डोंट हैव लाइक डिप्रेशन. बट एक्चुअली वी फेल टू लाइक आइडेंटिफाई दैट दिस पर्सन नीड अस एंड वी नीड टू हेल्प दैट पर्सन, बट हाउ? तो उसके लिए हमें कह रहे हैं उसको पता करने की ज़रूरत है कि भाई इस चीज़ से ये सिम्टम्स क्या है जिसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर सकें कि इसको डिप्रेशन का प्रॉब्लम है. तो बस वही डिस्कशन करने आज मैं आ गई आपके सामने. मैं चाहती हूँ आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली लाइक डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या है, कैसे हम पता कर सकते हैं कि एक नॉर्मल इंसान और किसी को डिप्रेशन है तो उसमें क्या अंतर होता है. सो गाइज, अगर मैं उसके लिए नॉर्मली बात करूँ तो डिप्रेशन का सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो होता है सैड रहना, उदास रहना. तो अब आप ये कहेंगे कि अब हम भी उदास रहते हैं, हम भी सैड रहते हैं, नॉर्मल इंसान भी सैड रहता है, उसमें उसमें क्या डिफरेंस है? सी, दोनों चीज़ों में ये डिफरेंस है कि जिसको डिप्रेशन है वो किसी भी सिचुएशन हो, चाहे वो खुशी का माहौल हो, चाहे वो दुखी का माहौल हो, चाहे वो नाचने वाला माहौल हो, फिर भी वो उदास ही रहता है, वो सैड सैड ही रहता है. बट एक नॉर्मल इंसान जो होता है वो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग रिएक्शन चेंज करता है. अगर उसे लग रहा है कि बल्ले बल्ले तो वो बल्ले बल्ले, उदास लग रहा है तो उदास है, अकेला है तो उदास है, किसी के साथ इंजॉय कर रहा है तो इंजॉय कर रहा है. बट एक डिप्रेशन सफर पर्सन के साथ ऐसा नहीं होता. नंबर टू, अगर मैं बात करूँ आपके साथ में, तो नंबर टू सिम्टम्स जो होता है उसे हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती है, हर चीज़ में नेगेटिविटी दिखती है. उसको लगता ही नहीं है कि कुछ पॉजिटिव हमारे सराउंडिंग में बचा है. ऐसा हो रहा है नेगेटिव, वैसा हो रहा है नेगेटिव. अरे मुझे दिल्ली जाना था, उससे क्या होगा, उसमें भी कुछ नहीं हो सकता, वो काम हाँ हो जाएगा ठीक है, वो काम तो खराब ही हो रहा है. मतलब इस मैं आप किसी को भी बोलते हो ना कि भाई ये काम करने चला गया, नहीं वो होना तो है नहीं, क्या मतलब है? हर चीज़ में नेगेटिव बात करना, हर चीज़ में नेगेटिव बात करना. हम नॉर्मल इंसान एक बार को पॉजिटिव हो जाता है, पर एक डिप्रेशन सफर पर्सन उस चीज़ को पॉजिटिव वे में नहीं ले पाता है. तीसरी पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ गिल्ट. हर चीज़ में गिल्टी फील करना, हर चीज़ में खुद को ब्लेम करना, हर चीज़ में करना कि ये गलत हुआ है तो मेरी वजह से हुआ, ऐसा हुआ है तो मेरी वजह से हुआ है, वैसा हुआ है तो मेरी वजह से हुआ है, इस इंसान को ये तकलीफ़ आई है तो मेरी वजह से है. मतलब हर चीज़ में उस इंसान को सिर्फ खुद की गलती लगती है, उसको लगता है कि जो भी हो रहा है सिर्फ उसकी वजह से हुआ है, वही उन सब कारणों का लाइक उन सब चीज़ों का कारण है. उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पर बात करूँ तो उसकी बॉडी जो होती है वो वीक होने लगती है, फिजिकली वो खुद को वीक फील करने लगता है. उसको लगता है उसकी बॉडी इतना एक्टिवली काम नहीं करती है, उसको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है पड़े हैं, मतलब इस तरीके से वो लेजीनेस में चला जाता है. उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉन्सेंट्रेशन. वो किसी भी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाता. अब आप ये कहेंगे कि हम नॉर्मल इंसान भी नहीं कर पाता, राइट? पर नॉर्मल इंसान एक सिचुएशन के बाद करने लगता है. अगर कोई उसे टेंशन है, वो टेंशन जब तक दिमाग में तब तक वो नहीं कर पाता है, टेंशन रिमूव हुई तो उस चीज़ को फोकस करने लगता है. तो दिस आर द बेसिक. उसके बाद अगर आप बात करो भूख ना लगना या ज़्यादा भूख लगना, ये भी डिसऑर्डर्स होते हैं. उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो नींद ना आना, नींद टूट जाना, नींद थोड़े थोड़े टाइम में आना, एकदम से उठ जाना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है. अब आज के टाइम में क्या होता है कि कोई इंसान हमसे अगर दो बातें करने आया है, अपना डिप्रेशन या अपनी बात शेयर करने आता है, तो हमारे साथ में सामने हमारे पास में 10 बातें ऑलरेडी उसको सुनाने के लिए होती है. तो गाइस ऐसा ना करें, अगर कोई इंसान आपसे कोई चीज़ डिस्कस करने आ रहा है तो उसकी एटलीस्ट बात पूरी सुने. एंड अ गुड लिसनर इज़ अ वेरी सक्सेसफुल पर्सन इन देयर ओन लाइफ, राइट? ये चीज़ तो आप ही मानते हैं. तो बिकम अ गुड लिसनर, एटलीस्ट लिसन द फर्स्ट वर्ड सेकेंड पर्सन वॉन्ट टू कन्वे. डोंट लाइक जज. किताब को पढ़ने से पहले उसके कवर से उस किताब को जज मत करिए. सो उस किताब को पहले पढ़िए कि एग्जैक्टली वो किताब कहना क्या चाहती है. अगर आप उसकी मदद कर सकते हो तो मदद करिए. उसके बाद अभी क्या हो जाता है
कि अभी दो तरीके के डिप्रेशन्स होते हैं। पहली बात कि या तो हमको किसी की बात बहुत ज़्यादा हर्ट कर गई होती है, हम उस चीज़ को दिल पर लेकर बैठे होते हैं और हमको समझ में नहीं आ रहा कि लाइक हम उस चीज़ को कैसे टैकल करें, और हम उस चीज़ में बस दबते जाते हैं दबते जाते हैं दबते जाते हैं दबते जाते हैं, तो वो चीज़ हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा हिट करती है। सेकेंड प्रॉब्लम क्या होता है कि रैंडमली हम लोग नॉर्मल हैं एंड सडनली हमें कोई ऐसा मतलब ऐसा कुछ सोचने लगे कि क्यों ना हम सुसाइड कर लें। हाँ, सुसाइड के भी थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। जब कोई इंसान डिप्रेशन में होता है तो उसे सुसाइड्स के भी थॉट आते हैं कि ज़िंदगी ख़राब है, बेकार है, मर जाओ, कोई मतलब का नहीं है, लाइफ यूजलेस है। तो ये सुसाइड के भी थॉट उसको आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वो रैंडमली जब कोई चीज़ होती है तो गाइज डॉक्टर से कंसर्न करने में बिल्कुल हिचकिचाइए मत, ट्रस्ट मी। ये सोसाइटी आई नो कि अगर कोई हमें फिजिकली कोई चोट लग जाती है तो ये सोसाइटी हमें बहुत सपोर्ट करती है कि लाइक भाई डॉक्टर के पास जाओ, दिखवाओ, छोटी सी चोट है, बड़ी हो जाएगी, ज़्यादा घाव हो जाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट सेम चीज़ अगर हमारे मेंटली कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये सोसाइटी बोलती है डोंट शो योर प्रॉब्लम। If you have a house, if you have a car, if you have a scooter, if you have anything, if you have your mobile, everything need a repairing, right? You are taking these all things to your service center and you are taking care of that. Then why not your own body? अपनी खुद की body पर क्यों नहीं? आप जब तक खुद की body का ध्यान नहीं रखोगे, जब तक खुद को focus नहीं करोगे, तब तक उस चीज़ से कैसे आप recover कर सकते हो? क्यों नहीं? So don't listen others, just focus on yourself. What is good for you, what is bad for you is totally up to you. The word is there. If you will be perfectly, if you will be totally all right, they'll help you out. But in today's time, you need to take your own decision because you are your own like a maker or like a finisher. Like, agar kuch acha kar jaoge, kuch apne aap ko bana jaoge, finish kar doge. So don't think about the world. So focus on yourself first. That's required. And agar main uske aage agar baat karu, to main yehi chahti hu ki agar aapko aisa koi person lagta hai, to please uski baat suniye, usko support kariye. Hum doctors ke agar lag raha hai ki doctors ke kya hota hai, kai baar hamare chemicals mein bhi like problem ho jata hai, lochon ho jata hai. So we need to discuss with doctors too. Reason behind ki thodi si dawai se wo theek ho jaye, baad mein wo cheez major issue kare, better to take precaution. तो जस्ट आप एक बार कंसल्ट जरूर करिए अगर आपको ऐसा कोई पर्सन लग रहा है कि जो डिप्रेशन में जा रहा है. जस्ट टॉक विद दैट, लिसन टू दैट गाय एग्जैक्टली उसके माइंड में क्या चल रहा है. जस्ट पैम्पर, डोंट से कि हाँ भाई हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, ऐसा ही होता है. नहीं, जस्ट पुश, जस्ट गिव पॉजिटिव वाइब्स. उसको भी एक पॉजिटिव फील होगी, आप भी कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं जो आपके सराउंडिंग में. डोंट जज एनीवन, ट्राई टू हेल्प देम. उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. और मुझे पता नहीं क्यों बट मुझे मन किया आपके साथ ये डिस्कस करने के लिए, तो रैंडम भी एडजस्ट हो गया. सो बाय बाय फॉर दिस, होपफुली हम जल्दी मिलते हैं. बाय, टेक केयर, यू ऑल आर वेरी प्रेशियस. बाय.